खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। भारतीय वायुसेना के अधिकारी हिलाल अहमद राठेर का कहना है कि नाम से इस वक्त देश में सभी की जुबान पर है उनका। दरअसल एयर यहां पर कोमोडोर हिलाल ही भारतीय सेना के पहले पायलट हैं जिन्होंने रफेल लड़ाकू विमान पर उड़ान भरी है। सोमवार को फ्रांस से उड़ान भरने वाली रफेल की पहली खेप को हिलाल ने ही विदा किया था। इसके अलावा वो रफेल विमान के यहाँ पर वेपनाइजेशन से भी जुड़े रहे हैं। हिलाल वर्तमान में फ्रांस में भारतीय एयरफोर्स के एफिलिएट अधिकारी हैं और हिलाल अहमद के करियर की अगर बात करते हैं तो बेहद उनका करियर शानदार रहा है। हिलाल अनंतनाग के एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मोहम्मद अब्दुल्ला राठेर जम्मू कश्मीर पुलिस में डिप्टी एसपी थे। हिलाल की तीन बहनें हैं, वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। हिलाल ने जम्मू के नागरोटा सैनिक स्कूल से शिक्षा भी हासिल की है और ऐसे में हिलाल 17 दिसंबर 1988 को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन हुए थे और 1993 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने और साल 2004 में ग्रुप कमांडर। 2016 में उन्हें ग्रुप कैप्टन बनाया गया और 2019 में वो एयर कोमोडोर के पद पर पहुंचे। और हिलाल अहमद ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने अमेरिका के एयर वॉर कॉलेज से यहाँ पर ग्रेजुएशन किया। हिलाल को वायुसेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है। तो मिराज 2000 और मिग 20 और किरण एयरक्राफ्ट पर उड़ान के दौरान हिलाल ने अब तक करीब यहाँ पर 3000 घंटे गुजारे हैं। अब राफेल विमान के साथ हिलाल का ऐतिहासिक तौर पर नाम और जुड़ गया है। तो राफेल उड़ान वाले पहले भारतीय पायलट बने हैं हिलाल अहमद। कश्मीर के एयर कोमोडोर हिलाल ने यहां पर उड़ान भरी है राफेल में और कश्मीरी निवासी हैं हिलाल अहमद राठेर। हिलाल अहमद करियर रिकॉर्ड उनका काफी शानदार रहा है। तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया उन्होंने और उसके बाद अमेरिका के एयर वॉर कॉलेज से स्नातक भी किया। 17 दिसंबर 1988 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन भी हुए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।